अस्सलाम वालेकुम, मैं होली आपका दोस्त, आप मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। कैसे आप लोग? बड़े दिनों के बाद गाड़ी वाली वीडियो बना रहा हूँ, मतलब गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ। एक फ्रॉड की कहानी सुनानी है और ये फ्रॉड मेरे साथ कर रहा है, अल्लाह आपका भला करे। पता है किसने? बंदे ने, जिसको मैंने कोर्स करवाया उसी ने आपके भाई को ठग लिया। और कैसे फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान बंद कर दिया। तेरा कहानी सुनिएगा। होता कुछ यूं है कि एक बंदा मेरे पास, मेरे ऑफिस में आता, मुझे कहता है कि अली भाई मुझे जो है ना वो कस्टम बैजेस वाला कोर्स करना है, मैं 6 महीने से फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं आपकी इस टीम से बात कर चुका हूँ। मैं कहा ठीक है, करवा देते हैं। मैं आरजे वाले ऑफिस में था उस टाइम पे। ये लेकिन अली भाई आपका ऑफिस ना ऊपर बहुत है, 4th मंजिल पर है, तो मुझे हाइट फोबिया है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम कीजिएगा ना, आप मुझे मेरी लोकेशन पे आगे पढ़ाते हैं। मैंने उसके घर के करीब एक इंस्टीट्यूट अरेंज करा, उनसे रिक्वेस्ट करी, उनसे रेंट पे मैंने क्लास ली और मैंने 101 क्लास 40 मिनट की ड्राइव करके जाता था और मैं क्लास लेना शुरू कर दी, मैंने सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, उसने मुझे कहा कि भाई 50% पेमेंट एडवांस ले ले और बाकी मेरी इंस्टॉलमेंट बना दे। तो मैंने 50% या 45% से कुछ बात हुई, तो मैंने उनसे कुछ पेमेंट एडवांस ली। उसके मैंने कहा कि आप इतनी पेमेंट मुझे अगले महीने देंगे और इतनी पेमेंट आप मुझे कमा के देंगे, 6 महीने का पूरा प्रोसेस है। बोला ठीक है भाई, डन हो गया। अच्छा, मेरी आदत है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सारी चीजें बता देता हूँ। अब उस जवान के बच्चे को मैंने बताना शुरू करा, मैंने उसकी कंपनी बनवाई, मैंने उसको यूएस का एड्रेस दिलवाया, मैंने यूएस का नंबर दिलवाया, मैंने ईमेल मार्केटिंग सिखा दी, मैंने टेली मार्केटिंग सिखा दी, मैंने स्क्रिप्ट दे दी, मैंने डिजिटाइजिंग, वेक्टराइजेशन, पैचेस की सारी टेक्निकल चीजें बता दी, मैंने सब चीजें बता दी। अब महीने का खत्म हुआ तो मेरी टीम ने फॉलो अप करा, भाई वो आपकी रिमेनिंग पेमेंट थी। जी जी मैं दे दूंगा अली भाई को, यार मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं ये थोड़ी, मैं वो थोड़ी, मैं दे दूंगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैं कहा कोई मसले बात नहीं, 1,00,000 रुपए की बातें दे देगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कोर्स कंटिन्यू रखा। अच्छा जी, मैंने पहले कहा था बेसब्रा बन के कोर्स मत करना भाई, कोर्स में टाइम लग सकता है, 6 महीने का पूरा प्रोसेस है। अब 1.5 महीने के बाद उसको ऐसा लगा कि उसको हर चीज समझ में आ गई है, समझिएगा, 1.5 महीने के बाद उसको ऐसा लगा कि बाबा अब तो मुझे सारी चीजें समझ में आ गई, अब मैं पैसे क्यों दूं। तो अब उसने मुझे कटाना चाहा। क्या हुआ? अब उसने मुझे कटाना चाह, कटाना कैसे चाह? अली भाई ऑर्डर नहीं आ रहा, अली भाई ये नहीं हो रहा, अली भाई वो नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ दिनों बाद उसके पास क्लाइंट भी आना शुरू हो गए, फेसबुक एड्स पे एडवर्ट लगाए, क्लाइंट आना शुरू हो गए। अच्छा, अब उसको कोई बंदा मिल गया, मिला नहीं मिला वल्लाह वालों में झूठ बोले कि वो पहले से ये काम करता था, अब वो भी उसके साथ है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, फेसबुक एड्स वगैरह लगा, क्लाइंट आना शुरू हो गए। अब उसका एक ही मकसद था कि मुझे पैसे नहीं देना, बकायदा जो बकाया पैसे थे। मेरी टीम फॉलो अप करते रहे, वो टोपियां कराते रहे, मेरी टीम फॉलो अप करते रहे, वो टोपियां कराता रहे। अच्छा जी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है? 2 महीने गुजर गए भाई, 3 महीने गुजर गए, मैंने कहा सारा काम सीख के भाग गया। अरे, मेरे दिमाग में पहले आ गया था, मैंने कहा उस्ताद ने सारा काम सीख लिया, अब ये नहीं आता, ये गया। अच्छा जी, फॉलो अप करते रहे। अब उसने बदतमीजी शुरू कर दी, अब उसने बदतमीजी शुरू कर दी, मैं क्यों दूं पैसे, मेरा तो कोई ऑर्डर नहीं आया, मैंने तो सारा अपने दोस्त से सीखा है, तुमने तो मुझे कुछ करवाया ही नहीं है, मुझे तो बस ईमेल अकाउंट बनवा दिए। भाई बावली भेड़, तेरी वेबसाइट, तेरे को यूएस का एड्रेस लेना किसने सिखाया? मैंने लेकर नहीं दिया, एड्रेस खरीदना सिखा दिया कि भाई ऐसे खरीदते हैं, उसके हाथ से सारे काम करवा, ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, स्क्रिप्ट दे दी, कस्टमर से बात करना, 10,000 ज्यादा कंपनी का डेटा भी दे दिया। साला डेटा की कीमत ही 1,00,000 रुपए में होती, जाओ तो सही निकलवाने लग पता जाएगा। खैर, उसने भाई मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली, मैं कहा देखो दोस्त कॉल पे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सब आ गया है, मैं इस काम में 7 सालों से हूं, यकीन करो अभी तक मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें सब आ गया लेकिन अभी तुम्हें सब नहीं आया, अभी कस्टमर्स के रिप्लाई आएंगे, अभी टेक्निकल डिफिकल्टीज आएंगी, तुम फंसोगे और तुम वापस मुझे मैसेज करोगे, मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम मुझे वापस कॉल करोगे। वो बदतमीजी करके चला गया, चैप्टर क्लोज हो गया। कुछ दिनों, कुछ हफ्ते पहले की बात है, 2.5 हफ्ते होंगे, मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, वालेकुम सलाम, उम्मीद है आप खैर है, बड़े प्यार से, वो बदतमीजी सब साइड हो गई, उम्मीद है कि आप बड़ी खैरियत से होंगे, बड़े अच्छे होंगे। मगर जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो कस्टमर का एक मैसेज आया है, उसने ये लोगो भेजा है, कितने पैसे बोलू, अल्लाह। मैंने तो कहा था तू वापस आएगा, मैंने तो कहा था सारी चीजें नहीं आई। अच्छा नहीं भाई, मैंने जिस मैन्युफैक्चरर को ढूंढा था वो तो बहुत महंगा बना के दे रहा है, अपना वाला मैन्युफैक्चरर दे दे। आए, मैंने कहा था देख तुझे सब कुछ नहीं आया, अभी तू फंसेगा। एक कस्टमर आया, उसको 3D पफ डिजिटाइजिंग चाहिए थी, अली भाई
3D पफ डिजिटाइजिंग करवानी है, ये क्या होती है, कैसे होगी? मैं कहा देख, मैंने कहा था तुझे सब कुछ नहीं आया। या अल्लाह, अली भाई कस्टमर पेनियर में पेमेंट नहीं कर रहा, उसको तो पेपॉल चाहिए, उसको तो वेनमो चाहिए, ये कैसे मिलेगा? मैं कहा देख, तुझे सब कुछ नहीं आया। मैंने कहा था मैं सपोर्ट करूंगा, मैंने कहा था अगर जरूरत पड़ी अपना वेनमो का अकाउंट दे दूंगा, अपना पेपॉल दे दूंगा। देख, मैंने कहा था जरूरत पड़ी अपना बंदा अमेरिका में मौजूद है, वो जाके कंपनी से पेमेंट ले आएगा। मैंने कहा था हमारे सैंपल अमेरिका में पड़े होते, किसी को सैंपल चाहिए होगा तो वो दे देगा। अली भाई सैंपल भेजना है, शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है पाकिस्तान से, अब क्या करूं? मैंने कहा था ना तुझे सब कुछ नहीं आया। मैंने तो कहा था हमारे से बिल अमेरिका में पड़े हुए, मेरे साथ कनेक्ट होता, मैं उसको मैसेज पे ईमेल करता, वो पहुंचा देता मेरे घर से, $5 लगते, UPS हो जाता। मैंने तो कहा था कि सब कुछ नहीं आया, लेकिन चंद रुपए बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए आपने मेरे से ताल्लुक तोड़ दिया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या मुझे उसे फैसिलिटेट करना चाहिए? यकीन करें, मेरा माइंड, अब मुझे पैसे दे भी दे तो शायद मैं उसको फैसिलिटेट ना करूं। जा भाई जा, एक दफा फ्रॉडिया ऑलवेज अ फ्रॉडिया, समझ गए? अपनी समझ में नहीं आता फिर बंदा बात। लेकिन फिर भी मैंने उसको 70% बिजनेस सिखा दिया था, 30% रह गया था। और शायद अगर वो थोड़ी सी तमीज के दायरे में रहता, पैसों में और टोपियां करवाता, तो मैं उसको पूरा 100% सिखा देता, उसके बाद वो भाग जाता। लेकिन फिर भी मेरी जरूरत उसे पड़ेगी, लाजमी पड़ेगी, हर बंदे को पड़ेगी। वो इस वजह से पड़ेगी क्योंकि कस्टमर कभी भी कोई बात कर लेगा। मैं 6 महीने के बाद बंदे को नहीं छोड़ता कस्टम बैजेस वाले कोर्स में, मुझे पता है आगे जाके फंसेगा। मैं कहता हूँ मेरे से कनेक्ट रहो, मेरा पर्सनल नंबर तुम्हारे पास है, मेरे से मीटिंग्स करो, आगे मुझे कॉल करो। बहुत ज्यादा तरीके हैं भाई, एलिजिबल का मैंने तुम्हें नहीं बताया था अभी तक। एक कम्युनिटी होती है ह्यूस्टन के अंदर, जहाँ पे सारा काम ही कस्टम बैजेस का होता है। पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनता, पाकिस्तान से एप्लीकेशन की रसाई भी नहीं है भाई, कैसे होती है बताना था? आप लोग बोलोगे VPN से हो जाती है, नहीं होती भाई, टेक्निकल चीजें हैं वो। समझे बाबा, मेरा तो कंपनी बन गई, ईमेल मार्केटिंग समझ में आ गई, टेली मार्केटिंग समझ में आ गई, नंबर भी आ गया, बैंक अकाउंट भी बन गया, अब मुझे क्या जरूरत पड़ती है? अब तो मैं फ्रॉड करता हूँ तो मैं भाग जाता हूँ। सब नहीं आया, सब नहीं आया था। अगर सब आ जाता फिर भाग जाते, फिर भी मेरी जरूरत पड़ती। फ्रॉड ना करे, धोखा मत दे। बस आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई पाकिस्तान में ऐसे भी होते हैं, स्टूडेंट भी फ्रॉड कर जाते हैं। तो खैर, उसके बाद से मैंने नसीहत ली कि मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान खत्म कर दिया था, अब एडवांस पेमेंट लेता हूँ 100%। जिससे करना होगा, जो सीरियस होगा वो आएगा, जिससे नहीं करना होगा वो नहीं आएगा। लेकिन मैंने उसको कहा जरूर था, शायद ये वीडियो देख भी रहा हो, कि देख भाई तुझे सब नहीं आया, तुझे बहुत कुछ आ गया है, तुमने 3 महीने तकरीबन लगा दिए, लेकिन सब कुछ नहीं आया, सब कुछ आने में टाइम लगा। मुझे अफसोस रहा कि यार वो इतनी रिस्पेक्ट से मेरे पास आया था, इतनी इज्जत से बातें करता था, और फिर इन द एंड उसने मेरे साथ क्या करा? चंद लाख रुपए के लिए फ्रॉड कर गया। यार मेरे साथ रहता, चंद हजार डॉलर के ऑर्डर कर चुका था पावली भेड़। मैं तुझे अपना पेनियर का अकाउंट दिखाता ना भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बात हजारों डॉलर की नहीं है उसके अंदर, बात हजारों डॉलर की नहीं है उसके अंदर। जो रिक्वेस्ट करता है कोर्स के बाद उसको दिखाता जरूर, ताकि उसको मोटिवेशन मिले कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी डालना शुरू कर दिया। तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे फ्रॉडियों से कैसे बचा जाए? पहली बात, पाकिस्तान के आम गरीब है, बोलते हैं यार दे दो, चलो इंस्टॉलमेंट प्लान दे दो, अब नहीं दूंगा, कैसे बचा जाए? और ऐसे बंदों के साथ क्या किया जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। ख्याल रखिएगा। और कहाँ से आ रहा हूँ, सुनील मेरे साथ है, ऑफिस से आ रहे हैं, आज जल्दी निकल गए, तो मैंने कहा चले एक वीडियो बना ले, बना ली, दो तीन वीडियो बनाई आज मैंने, थक गया। आज मैंने क्लास भी ली है, आज मैंने वीडियोज भी बनाई है, आज मैंने एडिटिंग भी करी है, आज मैंने मीटिंग भी करी है, आज भी चंद हजार रुपए भी कमाए कैश के अंदर, तब ऐसी गाड़ी चलाते चलाते, तब 10-20 से ऊपर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कमा लिया। वही मैं चलो बता दो मोटिवेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कमा सकते हैं, कॉन्टेंट बनाए और छा जाए। अल्लाह हाफिज़।